जो है हम डिफरेंट तरीके सीखेंगे अपने गार्मेंट को फॉलो करने के या गार्मेंट को स्टेट किस तरीके से हम रख सकते हैं अपने इन प्रोसेस के अंदर, या प्रोसेस गार्मेंट के ऊपर पूरा हो रहा हो या फोल्ड करके रखना हो या पैक करना हो, तो इसमें सबसे पहले स्टेट आप जो गार्मेंट किस तरीके से रखते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि वन फोल्ड गार्मेंट कैसे रखते हैं, देन हम सीखेंगे टू फोल्ड गार्मेंट कैसे रखेंगे और थ्री फोल्ड गार्मेंट कैसे रखेंगे। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसमें गार्मेंट की जो लेंथ है बड़ी मायने रखती है उसके अंदर, ये गार्मेंट की लेंथ कितनी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप उसको मेनटेन करते हैं कि उसमें हमने थ्री फोल्ड करना है या टू फोल्ड करना है या वन फोल्ड करना है। तो सबसे पहले आप स्ट्रेट फोल्ड देख जब हम रखेंगे तो गार्मेंट की कितनी हाइट होगी उसकी, तकरीबन 2 फीट की हाइट उसकी मेनटेन करेंगे और 2 फीट की हाइट मेनटेन करेंगे तो इससे गार्मेंट आपका गिरेगा भी नहीं, लुढ़केगा भी नहीं नीचे की तरफ और एक अच्छा लुक उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो। तो सबसे पहले स्टेट हम गार्मेंट की स्टेट रखेंगे, तो इन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा तो अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा इस साइड को हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर भी हमें काफी लगना है तो 2 फीट के बाद गुलाम इस बेस लाइन का उपयोग इस तरफ करके टारगेट को हम स्टेट कर सकते हैं। सारे तो मुझे भी अच्छे से साथ लगा इस तरीके से ये गार्मेंट जब हम रखेंगे टेबल के ऊपर या पायलट के ऊपर तो ये बुरा नहीं लगेगा, गंदा वो नजर नहीं आएगा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन दिखा सकता है हमारे कस्टमर्स के लिए। और वैसे भी प्रोसेस के अंदर ऐसी ही स्टैंडर्डाइज चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें इस स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए।